हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं फ्री हूँ अपनी स्टडीज़ वगैरह से, तो जल्दी से आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। तो क्या फाइनेंशियली आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है जो आपके रास्ते में आप तक पहुंचने वाली है, वो क्या हो सकती हैं, इसके लिए मैं रीडिंग करूंगी। फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स आपके लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स ना ये भी हो सकती है आपके स्टडी से रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि इसमें अगर आपको सक्सेस मिलता है तो ऑब्वियसली आपको फ्यूचर में अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे आपके वर्क एरिया में, ठीक है। तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए आ रही है, इस पर मैं रीडिंग करूँगी। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। चाहे आप स्टडी करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आपको अपने वर्क एरिया के बारे में, अपने फाइनेंसिस के बारे में जानना है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। और अगर आपने अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। प्राइजेज और डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छे से देख लेना। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग का इस जर्नल है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो, सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अदरवाइज ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप यहाँ पहुँचें आराम से देखें, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। टेम्परेंस, सिक्स ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये चारों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं अब तक। Tower, oh. So right now you are dealing with a tower movement, two of pentacles, king of wands. चलो ये कार्ड अपने आप आया, इसको लेते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड, सॉरी टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, दी हेरोफेंट एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कार्ड्स मैंने निकाल लिए एंड वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स कार्ड फ्रॉम हेयर। गाइज, वी हैव टावर कार्ड हेयर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर टावर कार्ड है। इट मीन्स राइट नाउ यू आर डीलिंग विद द टावर मोमेंट। इट मीन्स यू आर फेसिंग सम इश्यूज इन योर वर्क एरिया, यू आर फेसिंग सम डिलेज, यू आर फेसिंग सम डिसअपॉइंटमेंट, यू आर फेसिंग सम ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ विच आर नॉट गुड फॉर योर वर्क लाइफ। सम लाइक सम डेज आर लाइक आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, आपको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ दिस कार्ड, बिकॉज ऑफ दिस टाइम। बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो टाइम जो चल रहा होता है, इसका कभी ना कभी एंड होता ही है। ठीक है, टाइम सेम किसी की लाइफ में नहीं रहा है, सारी की सारी सिचुएशन टेम्प्रेरी होती है। तो ये जो टाइम है, ये भी आपकी लाइफ से बहुत जल्दी चला जाएगा, ये टावर मोमेंट भी चला जाएगा। क्यों मैं कह रही हूँ? बिकॉज वी हैव टेम्परेंस कार्ड हेयर। जब टेम्परेंस कार्ड टावर के साथ आ गया, इट मीन्स कि आपके साइड से कॉन्टीन्यूअसली एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूअसली आप प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दे रहे हो। राइट नाउ आपका एक पैर पानी में है, यू आर डूइंग सम वर्क बट स्टिल योर क्राउन चक्रा इज एक्टिव, सन, ब्राइट सन इज हेयर, सम फ्लावर्स आर हेयर एंड यू हैव एंजल विंग्स। ठीक है, यानी कि एंजल का सपोर्ट आपके साथ है and you have good strategy, आपका heart chakra balanced है, your crown chakra is balanced, bright sun is here, so ये सारी चीज़ें दिखा, and pure water also is here। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप बहुत सारी difficulties के बाद भी बहुत ज़्यादा optimistic हैं और अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हो। प्रॉपर बैलेंस यू हैव, प्रॉपर स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो। सो ये जो टावर मोमेंट है राइट नाउ, यू नो हाउ टू डील विद इट। ठीक है, यू हैव योर क्लियर एजेंडा जिसको आप फॉलो करोगे एंड देन आप मुझे बहुत हद तक हील और बैलेंस्ड दिख रहे हो। गाइस, दैट इज़ वाई ये टावर मोमेंट एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है। सो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो यू आर कन्फ्यूज इन सम एरियाज, यू डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, यू कांट प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, बट स्टिल यू हैव सम
यू नो स्ट्रेटजी जो आपने बना रखी है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास हमेशा इस किंग के पास हमेशा प्लानिंग अच्छी होती है, अच्छे आइडियाज़ होते हैं कि इनको क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है। इसके साथ साथ देखो, अगर आप कन्फ्यूज्ड है बट स्टिल यू हैव गुड माइंड एंड, और देखो हमारे पास क्या है, द वर्ल्ड कार्ड इज़ हेयर, इट मीन्स यूनिवर्स इज़ विद यू राइट नाउ, यूनिवर्स का सपोर्ट, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अगर आपको अपने किसी भी जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, उस चाहे फिर वो आपके कॉलेज में हुआ है या आपके ऑफिस में हुआ है या फिर आपके आपके खुद के बिजनेस में, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ नए आइडियाज़ यू नो इम्प्लीमेंट करने पड़ रहे हैं, तो उसमें भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़े से रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, टाइम की कमी हो सकती है, ठीक है। विद द लैक ऑफ रिसोर्सेज यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, लाइक आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, ठीक नहीं हो रहा है। पहली बात तो जितना नेगेटिव सोच रहे हो आपकी ओवर थिंकिंग है, बिकॉज यू हैव गुड माइंड सो यू कैन डू योर बेस्ट बिकॉज यू हैव गुड ब्लैंकेट। एंड यहाँ पर देखो कितने सारे फूल और ये एक अच्छे ब्राइट कलर्स हैं, तो आपकी ओवर थिंकिंग वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए, क्योंकि द हेरोफेंट जो कार्ड यहाँ पर आ गया है, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पास अच्छा माइंड है और आपके पास आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है, और आपके खुद के पास एक बहुत अच्छा माइंड है, ठीक है। आप एक इंडिपेंडेंट सोल हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आपको पता है क्या एक्शन लेने हैं, किस तरीके से खुद के लिए टाइम निकालना है, यू नो वेरी वेल। और मुझे लगता है कि आपको क्या ब्लेसिंग आ रही है, तो देखो इस इंसान को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, और एक जो कप है वो पीछे है और इतने सारे कप इनके आ गए, ये कप आपकी अचीवमेंट्स है, ये अचीवमेंट आपको मिल रही है फ्यूचर में, ये आपके लिए वेट कर रही है, इट मीन्स कि अभी भी आपको कुछ तो मिल रहा है, आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे, आपको बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करनी है, एक अच्छे डिसीजन पर पहुंचना है। नंबर टू आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है आने वाले टाइम में, नंबर सिक्स दिखेगा, नंबर टू दिखेगा, ठीक है, ये दो नंबर आपको ज़्यादा दिखेंगे, फाइव नंबर भी दिख रहा होगा बिकॉज यू आर डीलिंग विद सम चैलेंजेस, दैट इज़ वाई फाइव नंबर स्टिल आपको अपीयर हो रहा है। वाई? क्योंकि जब तक ये सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी तब तक ये नंबर नहीं दिखना बंद होगा। फाइव इज़ अ चैलेंजिंग नंबर, सो दैट इज़ वाई डिवाइन आपको ये बता रहे हैं, यू हैव सम चैलेंजेस, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन देम, ओके। सिर्फ इतना है ये नंबर दिखने का रीज़न। चलो यहाँ से देखते हैं अभी और क्या आएगा आपके लिए। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, पढ़ लेते हैं पहले, और अगर कार्ड चाहिए होंगे तो देख लेंगे। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, अगर कुछ रिस्की आ रहा है, लाइक कुछ ऐसा आ रहा है जिसके लिए आप अवेयर नहीं हो या फिर आपके लिए वो चीज़ नहीं है, तो यू हैव टू टेक दिस रिस्क बिकॉज दिस इज़ अ चांस। एक टाइगर की तरह बिहेव करो, हैंड इन नीड ऑफ इन नीड ऑफ हेल्प असिस्टेंट एंड गाइडेंस। देखो आपको स्टिल हेल्प असिस्टेंट और गाइडेंस की ज़रूरत है, सो अगर आपके कोई ऐसे इंसान है जिससे आपको अच्छी गाइडेंस या एडवाइस मिलती है, तो उनको फॉलो करो, उनसे बात करो। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट, मुझे लगता है आपके लाइफ में काफ़ी फायर, लाइक आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है, अच्छा टाइम आ सकता है। चेंज इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं जब से ये साल शुरू हुआ है, तो यस, बड़ी बड़ी यू नो पाथवेज और अच्छे ऑप्शंस, अच्छी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच रही है, नो डाउट। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ऑल्दो टेम्पटेशन विल टेस्ट यू बट स्टिल यू आर ऑन अ राइट पाथ। रिकन्सिलिएशन, आप में से काफ़ी सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन हुआ होगा या फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिले होंगे। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, देखो यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, आपको खुद भी अपना ध्यान रखना है और एंजल्स तो आपके साथ हैं ही, ओके। टॉप का भी कार्ड है ना। एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड, आपका कोई अच्छा फ्रेंड, लॉयल फ्रेंड, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड एडवाइस कर सकता है, ओके। एंड डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, तो वाह, फ्रेंड की तरफ से अच्छी एडवाइस भी आ रही है बट डिसअपॉइंटमेंट भी आ रही है, ऐसा हो सकता है, बट इट्स ओके। ये हो सकता है कि आपका कोई टेम्प्रेरी फ्रेंड हो, बट दिस वन इज़ योर लॉयल फ्रेंड जो आपको हेल्प कर सकता है।
I'm sorry. Wait a second, guys. Yeah, आपको ये फ्रेंड आप बहुत लॉयल है और आपको अच्छी हेल्प कर सकता है, लेकिन सब पर ट्रस्ट मत करना. शेयर योर बाउंड्रीज. यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू. इफ़ यू हैव सम एक्स्ट्रा सो यू शुड शेयर विद अदर्स. शेयर इट विद अदर्स. Remember the golden rule, what you give, you get back. Do your karma, be good, do good, and never lose faith, be prepared. Preparation apni continue rakhiye. Presence of mind, think and act wisely. You have to act wisely, guys. Follow with the rhythm. Allow all things to take their rightful position. On their own, so that they can together produce the same effect. Don't judge anything, but flow with the tide. Tide like एक लहर जैसे बहती है ना, एक rhythm में you know आगे बढ़ते जाओ. Flow with the rhythm, okay? So ये आपको करना है, आपके लिए advice है. Otherwise, you have some difficulties in your life right now, but you have good agenda. To follow, to overcome these challenges in your, work area. But still, you will receive something exciting, something good in your work area. So, be prepared for this and manifest karte raho aur positive hokar apne action lo. Okay? This is your reading. I hope ki aapke saath resonate hui ho, aapko pasand aayi ho. Abhi ke liye bas itna hi, guys. Bye. Take care.